गाइस यार देखो इधर जल्दी जल्दी मैं तुम्हें दौड़ के जाता हूँ और एक मस्त बात बताता हूँ। देखो यार तुम्हें यहाँ पे इतने सारे है ना जायंट डड्डू हल्क तो दिखने लगी गए होंगे और तुम्हें ये भी पता होगा कि यार यहाँ पे हल्क की स्कूल में बहुत सारा नया इक्विपमेंट आया है। ये देखो और यहाँ पे तो कितनी तगड़ी क्लास लग रही है यार। यहाँ पे देखो पिंक डड्डू हल्क यहाँ पे सारे दूसरे छोटे बच्चों को है ना कैसे हल्क अच्छा बनते वो सिखा रहे। उसके साथ साथ यहाँ देखो प्लेग्राउंड में क्या तगड़ी ट्रेनिंग चल रही है यार। यहाँ पे देखो बच्चे वेट्स उठा रहे, पुशअप्स मार रहे, पुलअप्स मार रहे यार। ये क्या मस्त यार, यहाँ पे तो पूरी ब्लैक डड्डू हल्क आर्मी ट्रेन कर रहे। और तो और ये देखो गोल्डन डड्डू हल्क के साथ यार यहाँ पे बच्चे वो है ना स्कूल में नया इक्विपमेंट भी बना रहे। और यार यहाँ पे ग्रीन डड्डू हल्क की है ना सुपरविजन के अंदर इतने सारे बच्चे यहाँ पे शूटिंग वूटिंग भी करना सीख रहे क्योंकि आजकल के हल्क को सब आना चाहिए गाइस, एक दो चीजों से कुछ नहीं होता। और यहाँ पे देखो यार दूसरे जो नॉर्मल लोग है जिन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया है वो यहाँ पे दौड़ रहे भाग रहे अपने है ना एथलेटिक एबिलिटीज को बढ़ा रहे। और यहाँ पे देखो ये सब बच्चे भी बहुत अच्छा काम कर रहे गाइस। यार मुझे भी स्कूल में एडमिशन लेना और यहाँ पे ऐसे एक जायंट खतरनाक हल्क में अपग्रेड होना है। चलो चलो यहाँ पे जाता हूँ, मैं जल्दी से बात करता हूँ। हेलो हेलो यार ब्लू डड्डू हल्क कैसे हो? आए फ्रैंकलिन पत्थर जी कैसे हो यार तुम? अरे एकदम बढ़िया हो यार। आए तो एक बात तो बताओ तुम यहाँ पे आए क्यों हो? तुम्हारा तो ये स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ है। अरे हाँ उसी के लिए तो आया हूँ, मुझे भी स्कूल में एडमिशन करना है। आए पत्थर जी एडमिशन की फीस पता है कितनी ज्यादा है? अरे कितनी ज्यादा यार? आए पत्थर जी एक बच्चे को 50 लाख रुपए देने पड़ते हैं महीने के। हैं महीने के 50 लाख रुपए देने पड़ते? क्या साल के 6 करोड़ रुपए ट्यूशन फीस? आए पत्थर जी हाँ यार देखो यार तुम्हें पता है जो जायंट सियान हल्क ब्लैक हल्क गोल्डन हल्क है ये लोग कितना खाना खाते हैं। ये लोग यहाँ पे तुमको पढ़ाने आएंगे तो तुमको से फीस तो लेंगे ना। अरे हाँ गाइस बात तो सही, इतने सारे जायंट जायंट हल्के भाई बहुत ही ज्यादा खाते ये लोग, तो इसके लिए यार महीने की 50 लाख फीस देनी पड़ेगी। दद्दू हल्के यार मेरे पास तो महीने की 50 लाख फीस देने के लिए रुपए नहीं है। और पत्थर जी तो आई एम सॉरी यार तुम लोगों को यार हम स्कूल में एडमिशन नहीं दे सकते। अरे यार ऐसे नहीं करो यार, कोई तो और तरीका होगा ना, कोई डोनेशन वोनेशन का तरीका नहीं है क्या? डोनेशन का मतलब यार ऐसे चैरिटी करके मुझे स्कूल के अंदर ले लो। और पत्थर जी एक चैलेंज अगर तुमने कम्प्लीट किया तो मैं तुम्हें स्कूल के अंदर ले लूंगा। क्या चैलेंज कम्प्लीट किया? और पत्थर जी तुम्हें यार इस वीडियो पे 1000 लाइक्स करवाने पड़ेंगे। क्या 1000 लाइक्स? यार इतने सारे लाइक्स नहीं होते मेरी वीडियो पे यार, लोग वीडियो को लाइक ही नहीं करते, मैं क्या करूँ? आए पत्थर जी तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, अगर वीडियो पे लाइक नहीं होंगे तो तुम्हें स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। देखो गाइस यार प्लीज यार जल्दी से ना तुम लोगों को वीडियो को 1000 लाइक्स पे पहुंचाना है वरना यार दद्दू हल्क यार यहाँ पे मुझे ये वाली स्कूल में एडमिशन नहीं देंगे। दद्दू हल्क सही बोला ना? आए पत्थर जी बिल्कुल भी सही बोला, बिल्कुल भी एडमिशन नहीं दूंगा। देखो यार दद्दू हल्क अभी 1000 लाइक्स होने में थोड़ा टाइम लगेगा, जितने तो वीडियो को आगे तो अपने को बढ़ाना पड़ेगा ना। और तुमने बात तो बिल्कुल भी सही की है, तो देखो यार अभी मैं फ्रैंकलिन को एक बार तो ये स्कूल में एडमिशन दे दे रहा हूँ, पर अगर यार इस वीडियो पे 1000 लाइक्स नहीं हुए तो फिर मैं वीडियो के खत्म होने से पहले यार इसको है ना हमारे हल्की स्कूल में से निकाल दूंगा। अरे गाइस देखो यार कर देना हो वीडियो पे लाइक यार, भले ही वीडियो खत्म होने से पहले तो मैं मोस्टली अपग्रेड हो ही जाऊंगा, पर यार देखो दद्दू हल्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उनको गुस्सा आ गया मेरी पावर्स दे लेंगे, तो इस वीडियो पे ज्यादा नहीं यार सिर्फ 1000 लाइक्स का टारगेट अपने को कंप्लीट करना है। और चलो ठीक है यार मैं तुम्हें स्कूल में एडमिशन दे देता हूँ। अभी देखो एक दूसरा स्टूडेंट भी मेरा नया वाला आने वाला है। और पत्थर जी ये देखो यार मेरा स्टूडेंट आ गया। अरे ये कौन है यार? भीम की शक्ति तुम बचाए, सामने कोई टिक ना पाए, छोटा भीम छोटा भीम। अरे गाइस ये क्या भाई, ये छोटा भीम तो सच्ची में बहुत छोटा है। और पत्थर जी ये तो अभी बेबी छोटा भीम है, इसको मैं मेरी स्कूल के हेल्थ ट्रेनिंग कोर्स में से डालूंगा और देखो ये कितना जल्दी जल्दी स्ट्रांग हो जाएगा। छोटा भीम फीस तो तेरे पापा मम्मी ने ऑलरेडी भर दी है, तो जल्दी से जाके ट्रेनिंग करना चालू कर दे। भीम की शक्ति तुम बचाए। गाइस ये देखो यार ये छोटा भीम क्या कर रहा है भाई। अरे यार ये तो देखो यार सच्ची में यार बेबी होके इतना ज्यादा स्ट्रांग है यार दद्दू हल्क, मैं तो है ना ये दीवारों के ऊपर से कूद भी नहीं पाऊंगा। और पत्थर जी कूद नहीं पाओगे इसकी तो तुम इतने कमजोर हो, ये देखो यार अभी अपग्रेड हो जाएगा। व्हाट गाइस लुक एट दिस यार, ये तो है ना ये वाली दीवार पे से कूदा तो कैसे अपग्रेड हो गया। छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम भीम भीम, यहाँ पे तो मैं पंच मारूंगा, लड्डू खाऊंगा, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। अरे गाइस यार देखो ये छोटा भीम तो क्या मस्त तगड़ी ट्रेनिंग करे जा रहा है यार, इसकी तो ना बॉडी बन जाएगी बहुत ही जल्दी। भीम की शक्ति धूम मचाएगी, सामने मेरे कोई भी टिक ना पाएगा, मैं तो हो गया हूँ बड़ा भीम बड़ा भीम। अरे गाइस ये तो सच्ची में देखो यार एक मेरे सामने बेबी आया था और ये देखो यार इसकी साइज तो कितनी ज्यादा हो गई दद्दू हल्क के जैसे हो गए। ओए भीम पुत्र तेरी तो साइज बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है। अरे टुन टुन मौसी के लड्डू खाता हूँ ना मैं तो। गाइस यार देखो सही में तो कितना ज्यादा डेंजरस है यार छोटा भीम तो। अरे मुझे तो यहाँ पे गन की ट्रेनिंग करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे डोले शोले इतने डेंजरस है कि सबको मार देता हूँ। अरे गाइस यार ये छोटा भीम तो देखो कितना जल्दी जल्दी स्ट्रांग हो गया यार, मुझे भी ये वाली स्कूल में ऐसे ही अपग्रेड होना है। ओए पत्थर जी इसके लिए तो 50 लाख फीस है तुम्हारी स्कूल की। और फ्रैंकलिन कैसा है टिन्ने? अरे मैं टिन्ना नहीं हूँ भाई, मेरी साइज बहुत ज्यादा अच्छी है यार। छोटा भीम तू एकदम से बड़ा हो गया, मैं क्या करूँ यार, गलत बातें चीटिंग करता है तू। अरे तो छोटा भीम से कैसे पंगा ले रहा है? दद्दू हल्क इसको स्कूल में एडमिशन मत देना। अरे क्या एडमिशन मत देना? अरे पत्थर जी अभी यार 1000 लाइक तो हुए भी नहीं, एडमिशन तो तुम्हें थोड़ा मुश्किल से ही मिलेगा। अरे मिल जाएगा दद्दू हल्क प्लीज यार, छोटा भीम की बात मत करो यार। अच्छा चलो दद्दू हल्क यार तुम मानते हो कि छोटा भीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है?
अरे हाँ पुत्र जी, स्ट्रॉन्ग तो है, तुमने देखा यार इसकी साइज कितनी ज्यादा बड़ी हो गई है। अच्छा तो देखो यार, ये मैं छोटा भीम को एक लड़ाई के लिए चैलेंज करता हूँ, अगर देखो मैंने छोटा भीम को लड़ाई में हरा दिया तो फिर तो आपको मुझे स्कूल में एडमिशन देना पड़ेगा ना मेरी ताकत को मान के। और टिड्डा तो मेरे से लड़ाई करेगा, तेरे को पता है छोटा भीम कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने टुनटुन मौसी के कितने लड्डू खा लिए है। अरे हाँ टुनटुन मौसी के बहुत लड्डू खा लिए, पर यार मैंने भी यार बहुत ज्यादा हल्का शेक भी कराया, आ जा यार दद्दू हल्क ठीक है। और भीम पुत्र तुझे क्या लगता है तू ये फ्रैंकलिन के बच्चे को हरा देगा क्या? अरे दद्दू हल्क डोंट वरी, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, ये फ्रैंकलिन को तो एक घुसा मारूंगा ना कालिया की तरह उड़ के जाएगा ये। अरे कालिया की तरह उड़ के नहीं जाएगा भाई, मैं तो यार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। गाइस देखो तुम फ्रैंकलिन को सपोर्ट करते हो छोटा भीम को, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो यार आजा भीम यहाँ पे आजा। अरे पुत्र जी भीम इसको मारो। अरे यार इसने तो लड़ाई करनी चालू भी कर दी। गाइस तुम जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम छोटा भीम को सपोर्ट करते हो फ्रैंकलिन को सपोर्ट करते हो। अरे भीम की शक्ति अभी धूम बजाएगी फिर तुझे पता चलेगा। अरे भीम की शक्ति कोई धूम नहीं मचाएगी, ये देखो गाइस। अरे ये क्या कर रहा है, कितना जोर से मारता है भाई। गाइस इसकी साइज तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है मेरे से यार, पर देखो सिर्फ साइज का इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो मैंने इसको पेट में क्या पंच मारा। अरे तू पागल है क्या, इतना जोर से कैसे पंच मार सकता है मुझे, ये ले। गाइस देखो इसके तो सारे पंचेस को मैं डॉज कर पा रहा हूँ, क्योंकि यार इसे तो सिर्फ अपनी बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी कर लिया है, इसकी स्पीड बिल्कुल भी नहीं बड़ी है। ये देखो मैं तो इसको इतना ज्यादा मार पा रहा हूँ, ये देखो ये पंच मारेगा ना मैं तो इसके पंच के झुकके से नीचे से हट जाऊंगा। देख 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 भीम पंच मारा। अरे रुक जा तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरी ऐसे तैसी यार कहां भाग के जा रहा है, ये देख तेरे को पंच मारा। अरे क्या कर रहा है, मेरे पंच से नीचे कैसे झुक जा रहा है तू। अरे गाइस यही तो मेरा टैलेंट है दद्दू हल्क, देख रहे हो यार ये छोटा भीम भी मुझे नहीं मार पा रहा। ओए पुत्र जी यार तुम काफी टैलेंटेड तो लग रहे हो मुझे। अरे नहीं दद्दू हल्क उसकी साइड मत लो। ये देखो गाइस यार मैंने इस पे क्या मस्त हमला किया यार भाई, रोमन रेंज के स्पीयर वैसे अटैक किया मैंने उस पे। अरे नहीं मैं तुझे स्पीयर मारूंगा, ये ले। नहीं 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 छोटा भीम तुझे स्पीयर तो मैं ही मारूंगा, ये ले यार ये ले ये ले। गाइस देखो यार ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बॉडी वाला है, इसके बहुत ही ज्यादा बड़े मसल्स है, पर यार फिर भी देखो मैं ज्यादा स्मार्ट हूँ, इसके लिए जीता तो मैं ये टट मारूंगा तुझे, तेरी ऐसी तैसी, ये ले मार दिया तुझे तो। और भीम की शक्ति को तो धूम मचा दिया तूने। गाइस देखो यार भीम की शक्ति धूम मचा दी। अरे फ्रैंकलिन पुत्र जी मैं इंप्रेस यार, इतना बड़ा छोटा भीम था तूने उसको भी हरा दिया। अरे दद्दू हल्क यार कोई ऐसा वैसा थोड़ी ना हूं। अरे हम भी देख रहे हैं फ्रैंकलिन, वी आर इंप्रेस टू। अरे क्या रेड दद्दू हल्क थ्री हेड वाले जायंट तुम भी इंप्रेस हुए? अरे हाँ तेरी स्कूल की फीस मैं माफ करता हूँ, पर सब जनों को वीडियो पे 1000 लाइक्स का टारगेट तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अरे हाँ हाँ 1000 लाइक्स का टारगेट तो हो जाएगा। गाइस देखो यार यहाँ पे कि जितने भी सारे दद्दू हल्के हैं ना ये लोग मेरे से इंप्रेस होकर इन्होंने बोला कि ये मुझे स्कूल में एडमिशन दे देंगे, पर यार देखो तुम्हें 1000 लाइक का टारगेट तो कंप्लीट कराना ही पड़ेगा। वो तो कंप्लीट हो जाएगा कोई बात नहीं, तो दद्दू हल्क में जल्दी से यहाँ पे ट्रेनिंग करनी चालू कर दो ना। अरे पत्थर जी हाँ ट्रेनिंग करनी चालू कर दो। गाइस तो देखो यार यहाँ पे सबसे पहले ये वाला ऑब्स्टिकल कोर्स मुझे कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट कर दिया तो देखो मेरे को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। चलो 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 जल्दी जल्दी चलता हूँ यार, दीवार लास्ट वाली कूदूंगा तब अपग्रेड हो जाऊंगा, वहां पे पहुंचने वाला हूँ। देखो गाइस यार मैं यहाँ से कूदने के लिए तैयार हूँ। मैं देख रहा हूँ फ्रैंकलिन ने है ना छोटा भीम को हरा के ये हल्क की स्कूल में सक्सेसफुली एडमिशन ले लिया है, और इसको क्या लगता है इसका सपना मैं पूरा होने दूंगा? नहीं, ब्लैक फ्रैंकलिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनेंगे हल्क की स्कूल में ट्रेनिंग करके। ब्लैक फ्रैंकलिन आर्मी अटैक। ये देखो जायंट सेवन हेड ब्लैक फ्रैंकलिन की आर्मी आ रही है। अरे गाइस ये धम 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 क्या सुनाई दे रहा है यार मुझे? अरे ये क्या हो रहा है? ओए पुत्र जी ये देखो ये क्या हो रहा है, इतना बड़ा जायंट ब्लैक फ्रैंकलिन कहां से आ गया? अरे लॉस सैंटोस की ये स्कूल अब हमारे हवाले कर दो, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग, हमला करो इन सब लोगों पे। अरे गाइस नहीं यार ये क्या कर रहा है, देखो ये जायंट ब्लैक फ्रैंकलिन और उसकी आर्मी ने तो यहाँ पे सब जगह हल्ला बोल दिया। ओए पुत्र जी ये क्या कर रहा है यार, ये ब्लैक फ्रैंकलिन की आर्मी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। अरे गाइस देखो यार जो भी सारे हमारे जायंट दद्दू हल्क थे उनको इन्होंने मार दिया और यहाँ पे सब लोगों ने कब्जा कर लिया, और यहाँ पे जितने भी सारे स्टूडेंट्स थे यार सब जन है ना यहाँ से भाग के जा रहे, क्योंकि यार इनको यहाँ पे ट्रेनिंग करने में डर लग रहा है। अरे भागो भागो हल्क की स्कूल अब सेफ नहीं है, ब्लैक फ्रैंकलिन ने इस पे हमला कर दिया। अरे नहीं नहीं मत भागो मत भागो गाइस, ऐसा मत करो यार। अरे पागल है क्या, भागना तो पड़ेगा ना वरना कैसे चलेगा यहाँ पे, ये देख रहा है ब्लैक फ्रैंकलिन कैसे सब लोगों को मार रहा है। अरे नहीं ब्लैक फ्रैंकलिन मत कर ऐसा प्लीज यार, आई बेग यू। अरे फ्रैंकलिन तुझे तो सबसे पहले लेजर मारूंगा मैं, ये ले। ओ नो गाइस यार देखो मैं यहाँ पे खड़ा था, इसने तो मुझे लेजर मार के है ना पूरा वो कर दिया। अब देखो यार ये अटैक करना चालू कर रहा है, यहाँ पे जितने भी स्कूल पे बच्चे थे सब पे लेजर मार रहा है। ओए पत्थर जी जो भी यहाँ पे से जिंदा बच के भाग सकता है भागो, ये ब्लैक फ्रैंकलिन को हम काबू नहीं कर पाएंगे। अरे नहीं यार गाइस ऐसे तो पूरी स्कूल तबाह हो जाएगी। अरे नहीं पिंक दद्दू हल्क को भी इसने उड़ा दिया, और यहाँ पे देखो उनकी जो क्लास चल रही थी उसमें भी ऑलमोस्ट सब जन मर चुके। ऐसा क्यों कर रहा है ब्लैक फ्रैंकलिन यार, तुझे भी दद्दू हल्क ने लास्ट वीडियो में अपलोड किया था, अपलोड नहीं आई मीन अपग्रेड किया था, और तूने देख और इन दद्दू हल्क को तो मार भी दिया। मैं तो ऐसा अनफरामोश हूं ना, उन्होंने मुझे ये पावर्स दे के ही गलती करी, मुझ पे भरोसा क्यों किया इन्होंने, ये लो खाओ मेरा हमला। अरे नहीं गाइस यार ऐसा नहीं हो सकता, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा यार, क्योंकि वरना ब्लैक फ्रैंकलिन मुझे भी मार देगा। ओ नो ब्लू दद्दू हल्क यार ये भी गए। आए फ्रैंकलिन पुत्र भागो यार, तुम्हें ये हल्की स्कूल को रिक्लेम करना ही पड़ेगा हम लोगों के लिए। अरे हाँ हाँ करूंगा गाइस करेंगे मैं तो, देखो यार ये तो सब जगह दाएं बाएं हमला करे जा रहा है और पूरी स्कूल इसने तो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर ही दी है। फ्रैंकलिन तो बचेगा नहीं,
नहीं गाइस, नहीं नहीं नहीं, ये देखो यार ये क्या कर रहे हैं। ओह माय गॉड यार, ये तो सारे ब्लैक फ्रैंकलिन्स मुझे चेस कर रहे हैं। ओए पत्थर भागो यार, वरना ऐसे कैसे चलेगा। अरे हाँ दद्दू हल्के यार, भाग ही तो रहो, पर यार इतने जायंट ब्लैक फ्रैंकलिन्स इनसे बचूंगा कैसे मैं। आइला क्लिश यहाँ पे आ गया है, क्रिश तुम्हें बचाएगा। अरे गाइस देखो यार, ये क्रिश यहाँ पे आ गया यार ब्लैक फ्रैंकलिन्स को मारने के लिए। ब्लैक फ्रैंकलिन से ये लोग लड़ाई करेंगे, अभी देखते हैं मैं भाग पाऊंगा कि नहीं तब तक। ये देखो यार यहाँ पे क्रिश से लड़ाई करने में बिजी हो गए लोग। आइला फ्रैंकलिन तू भाग यार, मैं ये सारे ब्लैक फ्रैंकलिन्स को देख लूंगा। ओए पत्थर जी, क्रिश ने अपनी कुर्बानी दे दी है, तुम जल्दी से भागने में फोकस करो। अरे नहीं 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 गाइस यार, देखो ये सब क्या हो रहा है। अरे बल्ले बल्ले भी यहाँ पे आ गया है, फ्लाइंग जेट भी तुझे बताएगा फ्रैंकलिन, डोंट वरी। ओह नो गाइस, ये देखो यार, ये देखो क्रिश और फ्लाइंग जेट ये दोनों यहाँ पर आ गए। फ्लाइंग जेट यहाँ पे थोड़ा पीछे, पर क्रिश तो यहाँ पे एकदम पास में आ गया है। ये देखो यार ये सब लोग लड़ाई कर रहे हैं, इसके पीछे मुझे भागना पड़ेगा। और गाइस यार मुझे सिर्फ भागना नहीं पड़ेगा, मुझे यार जल्दी से खुद को अपग्रेड करके एक स्ट्रॉन्गेस्ट है ना गॉड टाइटन हल्क भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे मैं ब्लैक फ्रैंकलिन के बच्चे को बचा पाऊँ। ये देखो यार कैसे आ रहे मेरे पीछे। अरे छोड़ दो फ्रैंकलिन को, इसको हमने यहाँ पे स्कूल में से तो खदेड़ी दिया है ना, इसको अभी यहाँ से भागने दो, हम इसको बाद में देख लेंगे। ओह नो गाइस, ये देखो मेरे पीछे पड़ गए। अरे यार उस साइड ऑफ मत जाओ, ब्लैक फ्रैंकलिन तुम्हें मार देगा। अरे हम किसी से नहीं डरते। अरे यार ये फायर फाइटर तो उस तरफ जा रहे, पर गाइस देखो यार इन लोगों ने अभी के लिए तो मेरा पीछा करना छोड़ दिया है। पर गाइस देखो यार मुझे दद्दू हल्क ने टास्क दिया है कि मुझे सिर्फ यहाँ पे ब्लैक फ्रैंकलिन से बच के नहीं भागना, मुझे खुद को जल्दी से यार एक हीरो से हीरो, हीरो से गॉड और गॉड से टाइटन हल्क में कन्वर्ट करना है। मैंने खुद को एक बार टाइटन हल्क में कन्वर्ट कर लिया तो उसके बाद ये सारे ब्लैक फ्रैंकलिन की आर्मी को मैं मार दूंगा। और यार इसके लिए यार मुझे तुम सब लोगों की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तुम्हें पूरे रास्ते मेरे को हेल्प करना पड़ेगा। देखो यार अब आई थिंक मैं थोड़ा सेफ हो चुका हूं। गाइस देखो आई थिंक जो है ना ग्रीन दद्दू हल्क थे वो यहां पे स्कूल में आए हुए नहीं थे, तो यार मुझे सबसे पहले उनको ढूंढना पड़ेगा, जिससे मुझे ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर सके और मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क फ्रैंकलिन बनाए। तो आओ चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखो यार मैं दद्दू हल्क से टच में आ पाया था और उन्होंने ना मुझे यहां पे बुलाया। भाई ये टाइटन वैली में क्यों बुलाया? यहां पे देखो गोल्ड हल्क टाइटन, रेड हल्क टाइटन, व्हाइट हल्क टाइटन, पिंक हल्क टाइटन, रेड हल्क टाइटन और गोल्ड हल्क टाइटन, ब्लू हल्क टाइटन, यार सारे हल्क के टाइटन्स हैं। ओए पत्थर जी किधर जा रहे हो? अरे हाँ हाँ दद्दू हल्क यार, ये हल्क टाइटन्स को देखता देखता भाई मैं तो है ना पूरा गुम हो गया था, इसके लिए मैं आगे चला गया। ओए पत्थर जी नो वरीज यार, जल्दी से इधर आओ यार, क्या हो गया पूरी बात बताओ मुझे। अरे दद्दू हल्क व्हाट टू से देखो यार है ना, तुमको पता है ना यहाँ पे हल्क की नई प्राइवेट स्कूल खुली है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा तगड़ी ट्रेनिंग दे रहे थे सब लोग को। ओए पत्थर जी हाँ यार, मैं वो स्कूल के अगेंस्ट हूँ, वहाँ पे 50 लाख रुपए महीने की फीस चार्ज कर रहे हैं और हल्क की ट्रेनिंग फ्री में मिलनी चाहिए। अरे हाँ मुझे पता है फ्री में मिलनी चाहिए, वो सब बातें अभी छोड़ो, बाद में देखेंगे अपने। पर यार देखो वहाँ पे है ना सब लोगों को अच्छे से ट्रेनिंग मिली थी, तभी पता नहीं कैसे है ना ब्लैक फ्रैंकलिन ने हम लोग को देख लिया। मैं वहाँ पे अपग्रेड होने ही वाला था, पर यार उसने अपनी ना जायंट 300 ब्लैक फ्रैंकलिन की आर्मी से वहाँ पे हमला कर दिया और वहाँ पे ना सब जनों को मार दिया, जितने भी दद्दू हल्क थे, मेस्ट्रो हल्क थे, सबको मार दिया। ओए पत्थर जी ये तो यार बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। अरे हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा बुरा। और अभी देखो यार मेरे को है ना ब्लू दद्दू हल्क ने आपको ढूंढने के लिए बोला था, जिससे मैं खुद को एक नॉर्मल हल्क के बदले खतरनाक टाइटन हल्क में कन्वर्ट कर दूं। ओए पत्थर जी पर अभी तो तुम एक जीरो लेवल के हल्क हो। अरे हाँ मुझे पहले जीरो से हीरो बनना पड़ेगा, हीरो से गॉड, फिर टाइटन गॉड बनना पड़ेगा। इसके लिए तो देखो शायद तुमने मुझे टाइटन गॉड्स की वैली में बुलाया। ओए पत्थर जी हाँ यार, यहाँ पे देखो यार बहुत सारे टाइटन गॉड्स रहते, पर यार ये डायरेक्ट इंसानों से और हल्क से बात नहीं करते, ये सिर्फ अपने चेलों के थ्रू अपने से बात करते, और ये चेले बहुत ही ज्यादा खराब है। क्यों भाई यार ये है ना, चेलों में क्या बुराई है यार? ओए पत्थर जी ये देखो यार, यहाँ पे 300 रेड टाइटन, पिंक टाइटन और आइस टाइटन है, ये विंग्स वाला इनका बॉस है। ये तीनों को अपने को कोई ना कोई गिफ्ट देना पड़ता है, तभी अपने को बड़े टाइटन से बात करने देते। अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है यार, पर देखो गाइस यार इतने सारे जन यहाँ पे खड़े, यहाँ पे है ना ग्रीन रिवेंजर हल्क, ब्लैक कीको हल्क यार, मोटा थॉर, ये गंदा सा रेड हल्क, और यहाँ पे क्या छोटा भीम भी आया। भाई ये सब लोग यार यहाँ पे है ना ये गॉड से बात करने आए। अरे दद्दू हल्क जल्दी करो यार, ऐसे कैसे चलेगा, वो सब लोग तो वहाँ पे पहुंच गए, अब मैं तो कोई गिफ्ट भी नहीं लेकर आया। ओए पत्थर जी यार अब तो तुम बड़े टाइटन से बात नहीं कर पाओगे। अरे नहीं 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 बड़े टाइटन से बात करूंगा गाइस, देखो मुझे कुछ ना कुछ तो फिगर आउट करना ही पड़ेगा यहाँ पे बड़े टाइटन की, मुझे थोड़ी सी ब्लेसिंग लेके हीरो लेवल तक तो जाना ही पड़ेगा यार, गॉड तक ना पहुंच पाओ। पर गाइस यार मैं आगे तो जाके रहूंगा, देखो जल्दी जल्दी यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे देखो सब जन खड़े यार, मुझे भी लाइन में जाके खड़ा रहना पड़ेगा। अरे फ्रैंकलिन तो यहाँ पे आ गया, छोटा भीम को हैरान करना है। अरे नहीं छोटा भीम को हैरान नहीं करना है, छोटा भीम मैं तो यहाँ पे अपग्रेड होने आया हूँ तेरे साथ। अरे तू मनहूस है, तेरे कारण ब्लैक फ्रैंकलिन ने वो स्कूल पे हमारी हमला कर दिया। अरे उसे मेरी कोई गलती नहीं थी यार। अरे नहीं नहीं तेरी ही गलती थी। अच्छा तू चुप रहे यार छोटा भीम, वरना वापस पिटाई लगा दूंगा। देखो गाइस यार यहाँ पे ग्रीन रिवेंजर हल्क है, ये देखो यार ये है ना ब्लैक कीको हल्क, ये थॉर, ये गंदा सा रेड हल्क, छोटा भीम और मैं, यहाँ पे हम सब आ चुके हैं ये वाले बड़े टाइटन से बात करने के लिए। पर ये टाइटन से अगर हमको बात करनी तो हमें इनके चेलों को इम्प्रेस करना पड़ेगा और इनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देके देना पड़ेगा। अभी देखते हैं क्या गिफ्ट लेकर आए सब। अरे मैं तो इतना मस्त गिफ्ट लेकर आया हूँ ना,
उनको है ना मस्त यार, मैं तो टिकटॉक के गाने पे नाचूंगा, मेरे से इंप्रेस हो जाएंगे, फिर मुझे बात करने देंगे। अरे ऐसा थोड़ी होता यार की को, तू क्या गिफ्ट लेकर आया? अरे मैं तो मेरे सीक्रेट गिफ्ट के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। ओडिन की कसम, हमारा गिफ्ट बेस्ट होने वाला है, हमने टोनी स्टार की मदद ली है उसमें। मेरा तो गिफ्ट बहुत अच्छा है, मैं तो उनको सीधी सीधी घुस दे दूंगा, इतना बड़ा डायमंड और सोना लेकर आयो। अरे छोटा भीम तो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट गिफ्ट लेकर आया, किसी को नहीं बताएगा। फ्रैंकलिन तू क्या लेकर आया? अरे हाँ हाँ मैं भी बहुत सीक्रेट गिफ्ट लेकर आया हूँ। पता नहीं गाइस यार मैं क्या करूंगा, पर यार कुछ ना कुछ तो कर ही लेता हूँ। अभी देखो यार ये रिवेंजर हल क्या करता है, देखते हैं। अरे अभी तो रिवेंजर की बारी आ गई है, रिवेंजर देखो कैसे इनको एंटरटेन करेगा। अभी देखो ऐसा छम्मक छल्लो पे डांस करूंगा। ओए कीड़े यहाँ पे क्यों आ रहा है, हमारे सामने आया है बड़े टाइटन से बात करने के लिए, कुछ गिफ्ट लाया है हमारे लिए। अरे हाँ रिवेंजर गिफ्ट लेकर आया ना आपके सामने, देखो मैं डांस करूंगा। 1 2 3 4 स्टार्ट। उड़ जीना छम्मक छल्लो, ओ ओ मारो 6 5 9 गल्लो, ओ ओ जी जी जी, कितना बद्दा डांस कर रहा है, हमको नहीं देखना तेरा डांस, यहाँ से दफा हो जा। और कुछ लेकर आया है क्या यहाँ से हमारे लिए? हम तुझे टाइटन से बात करने की परमिशन नहीं देते। अरे नहीं नहीं ऐसे मत करो यार, ये देखो मैं और भी ज्यादा अच्छा डांस कर रहा हूँ, ये देखो यार क्या मस्त मटक रहा हूँ। अरे गाइस यार ये रिवेंजर हल्क तो यहाँ पे डांस कर रहा है बड़े टाइटन गॉड्स के लिए, और जिससे ये लोग बड़े टाइटन से इनके बात करने दे। पर यार ये लोग तो मुझे ज्यादा इंप्रेस्ड लग नहीं रहे। जी जी जी, कितना गंदा डांस कर रहा है, बहुत ही गंदा डांस है, इसको तो लेजर से उड़ा दो। उड़ा दो क्या इसको लेजर से? अरे नहीं 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 रिवेंजर को लेजर से मत उड़ाओ यार। नहीं नहीं हम इंप्रेस नहीं हुए, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, ये ले लेजर का। अरे गाइस ये देखो यार, ये देखो ब्लू आइज टाइटन को है ना ये रिवेंजर हल्क का गिफ्ट अच्छा नहीं लगा, तो यार इसको तो इसने लेजर मार दिया यार, और इसके तो इसने चट्टे पट्टे गुल कर दिए यार। अरे रिवेंजर को तो यार इसने वेपराइज कर दिया। ओ माय गॉड गाइस सीरियसली देखो तो सर यार, यहाँ पे रिवेंजर हल्क था उसको पूरा वेपराइज कर दिया भाई, उसका सिर्फ है ना यहाँ पे खून और ये काला सा वो बचा है। अरे दद्दू हल्क यार मैं क्या करूँ यार, ये देखो यार ये रिवेंजर हल्क तो एटलीस्ट डांस प्रिपेयर करके आया था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं यार, अगर मेरे को भी ऐसे लेजर से उड़ा दिया तो बात ही खत्म हो जाएगी। ओए पत्थर जी कोई बात नहीं, लाइन में डटे रहो, अभी दूसरे लोग क्या करते देखो दसरी। आइला मैं जाऊंगा, देखो यार अभी है ना मैं बताता हूँ कैसे करते, अपने देश में काम ऐसे ही होता है, सीधा सीधा घुस देनी पड़ती है। ओए सुन गधे ब्लू टाइटन। अरे मुझे गधा किसने बोला? अरे गाइस ये छोटे से रेड चिंदी को तो देखो यार, ये देख तुझे पैसा चीना घुस चाहिए, ये देख मैं इतना सारा करोड़ों का सोना और ये पूरा डायमंड का ट्री लेकर आया हूं तेरे लिए, चल अब मुझे टाइटन गॉड से बात करने दे। अरे तू मुझे गधा बोल रहा है, तेरे को मरना है क्या? ए मेरे को डर नहीं लगता, तुझे पता है मेरे पापा कौन है, पैसे और चाहिए और मुँह पे पैसे फेंक के मारूंगा, ये ले। वही कीड़े तमीज से बात कर। अरे मैं तमीज से बात नहीं करूंगा, तुम्हारे नीचे देखो। गाइस ये देखो यार, ये तो पहले थोड़ा सा सोना और एक डायमंड का ट्री लेकर आया था, पर अभी देखो यार इसने है ना अपने पापा के पैसे का इस्तेमाल करके इतने सारे और पैसे लेकर आ गया। हेलो मुझे बात करने दे रहे हो कि नहीं गॉड से, वरना थप्पड़ मारूं। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हारा गिफ्ट हमने एक्सेप्ट किया। सही समझा था ना मेरे, ओए रेड टाइटन हल्क गॉड, चलो मुझे ब्लेसिंग दो और एक जबरदस्त हल्क में कन्वर्ट करो मुझे। तुम्हारी इच्छा पूरी होती है, ये लो तुम्हारी ब्लेसिंग। और गाइस ये देखो यार, ये है ना गंदा सा जो रेड हल्क है, इसको तो है ना गॉड्स ने ब्लेसिंग दे दी, इसने अपने पैसे का इस्तेमाल करके इनके चेलों को पटा लिया। ये देखो मैं तो एक जायंट चकी डॉल में कन्वर्ट हो गया हूँ। अरे गाइस देखो यार, इसको तो गॉड्स ने ब्लेसिंग दी यार, इसके अंदर तो बहुत ज्यादा इविल था इसके लिए ऐसा हो गया। अरे मुझे तो इविल ही बनना था, चलो मैं तो चलता हूँ, मैं जा गया। अरे अभी भीम की शक्ति धूम बचाएगी, ये जो सारे टाइटन गॉड्स हैं इन सबको एक ही साथ में इंप्रेस कर दूंगा मेरे स्पेशल गिफ्ट से। अरे गाइस यार ये भीम यार ऐसा तो क्या खतरनाक गिफ्ट लेकर आया? अरे फ्रैंकलिन तुझे अभी पता चलेगा। हेलो टाइटन गॉड्स, मेरा नाम है छोटा भीम, मैं हूँ भीम की शक्ति वाला, मैं धूम मचाता हूँ। अरे कीड़े हमको फर्क नहीं पड़ता, जल्दी से बता हमारे लिए क्या गिफ्ट लेकर आया, तभी तुझे टाइटन गॉड से बात करने देंगे हम। अरे तुमको पता है मैं इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना? अबे कीड़े मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तू स्ट्रॉन्ग कैसे बना, जल्दी से मेरा गिफ्ट ला। अरे रुको तो सरी, ये देखो यार ये रहे टिनटिन मौसी के ढेर सारे लड्डू, ये ढेर सारे लड्डू खाओगे तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगे, और इतने ज्यादा मीठे है कि तुम्हें खाने में भी बहुत मजा आएगा। अबे कीड़े हम लड्डू नहीं खाते, पागल है क्या? अरे गाइस ये छोटा भीम तो गया। अरे एक सेकंड रुको यार, मुझे तो लड्डू खाने काफी अच्छे लगते हैं। मुझे भी लड्डू खाने अच्छे लगते हैं यार, मुझे भी लड्डू खाना है। व्हाट गाइस यार देखो यार, ये है ना जो मेन बॉस टाइटन है इसको तो लड्डू अच्छे नहीं लगते, पर इसके दोनों चेलों को अच्छे लगते हैं, तो मतलब चेलों को अच्छे लगते तो भी गिफ्ट एक्सेप्ट हो जाएगा क्या? अच्छा ठीक है यार चलते रहे ना, गिफ्ट को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि यार मेरे चेलों को लड्डू खाने अच्छे लगते हैं और टुनटुन मौसी के लड्डू तो वर्ल्ड फेमस है। अरे हाँ भीम की शक्ति धूम मचती है, एक काम करता हूँ एक तो लड्डू मैं भी खा लेता हूँ। ओए कीड़े अब ये लड्डू हमारे होए, इसके ऊपर नजर मत डालना। अरे हाँ बिल्कुल नजर मत डालना, वरना देखना मार मार के भट्टा बना
बना देंगे। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला। अच्छा अच्छा ठीक है यार भीम को माफ कर दो गाइस। तो चलो मैं जल्दी से जा रहा हूँ यार पिंक टाइटन गॉड से बात करने। छोटा भीम को एक बड़ा भीम बना दो। किड़े तेरी विश मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये ले तेरी ब्लेसिंग। अरे गाइस देखो पिंक टाइटन गॉड ने तो यार छोटा भीम को भी ब्लेसिंग दे दी। अरे अब छोटा भीम छोटा नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा वो तो। गाइस ये देखो छोटा भीम तो गॉड की ब्लेसिंग के मजे ले रहा है यार। अरे कितना मजा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा और स्ट्रांग फील हो रहा है। ओ माय गॉड गाइस इसको देखो तो सर, छोटा भीम तो अब छोटा नहीं रहा यार, बड़ा भीम हो गया। अरे फ्रैंकलिन के बच्चे दाल रोटे कच्चे देख, तेरे से पहले अपग्रेड हो गया। अरे नहीं 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 प्लीज मुझे मारना मत यार। गाइस ये देखो यार मेरे सारे दुश्मन अपग्रेड हो जाते ना फिर मुझे बहुत तोड़ते। अरे मैं तुझे अभी मिलूंगा तो कभी भी अपग्रेड नहीं हो पाएगा, अगर मेरे से ज्यादा स्ट्रांग होने की कोशिश करी तो बहुत ज्यादा धुलाई लगाऊंगा तेरी। अरे भीम ऐसा क्यों कर रहा है? अरे मैं ढोलकपुर का सबसे स्ट्रांगेस्ट खिलाड़ी बनना चाहता हूँ इसके लिए। गाइस ये देखो भीम तो यहाँ से भग के चला गया, अभी देखते यार मेरा क्या होता है। अब गाइस देखो यार यहाँ पे दो ऑप्शन बचे यार, यहाँ पे है ना थॉर बचा है और है ना ब्लैक कीको हल्क बचा है। अब इन दोनों के गिफ्ट को मुझे चुरा के देना पड़ेगा ये बड़े वाले टाइटन हल्क को। अब यार मुझे नहीं पता इन दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा गिफ्ट लेकर आया। देखो कीको तो यार ऐसे बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, सब जन उसे जानते, वो कुछ अच्छा ही लेकर आया होगा। ये देखो यार यहाँ पे है ना एक गोल्डन लिमोजिन खड़ी है जिसकी दद्दू हल्क बाजू में खड़े। मेरे को तो लगता है इन दोनों में से कोई एक जन ये बड़े टाइटन हल्क के चेलों को ये वाली लिमोजिन गिफ्ट करने वाला है। पर देखो यार अब है ना थॉर ने बोला था कि उसने है ना टाइटन्स के गिफ्ट के लिए टोनी स्टार की हेल्प ली है, और यहाँ पे देखो कोने में छुपी हुई है ना एक आयरन मैन के हेड वाली बड़ी सी मॉन्स्टर ट्रक कार खड़ी है। तो मेरे को लगता है यार कि है ना थॉर ने है ना टोनी स्टार्क से मदद लेके ये वाली कार बनवाई है ये बड़े वाले टाइटन्स के लिए, क्योंकि मैंने सुना था इन टाइटन्स को और मॉन्स्टर ट्रक्स बहुत ज्यादा पसंद है, और कीको ये वाली है ना गोल्डन लिमोजिन लेकर आया है। अब गाइस देखो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि यार तुम्हें क्या लगता है कि मेरे को कीको से उसकी लिमोजिन चुरानी चाहिए यार ये वाली आयरन मैन की मॉन्स्टर ट्रक, क्योंकि यार ये वाली लिमोजिन देखो काफी ज्यादा महंगी लग रही है, बहुत ज्यादा हैंडसम और डैशिंग लग रही है यार। इसमें तो बैठ के घूमेंगे तो कैसा ठाट बाट बनता होगा। पर यार ये वाली देखो यार ये वाली जो आयरन मैन की मॉन्स्टर ट्रक है यार ये बहुत ही ज्यादा कस्टम है, मतलब यार ऐसे व्हीकल्स मिलते नहीं है आजकल। गाइस देखो भले यार ये वाली लिमोजिन ज्यादा महंगी है पर आई थिंक यार मुझे थॉर का ये वाला है ना गाड़ी चुरानी चाहिए। ठीक है चलो अभी मैं इधर वापस जाके खड़ा हो जाता हूँ, अभी देखते हैं यार कीको ही नेक्स्ट जाने वाला है। अगर यार कीको का गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया तो मैं वो भी चुरा सकता था, पर वो तो अभी टाइम ही बताएगा। ये कीको की बारी आ गई है, तुम लोगों ने तो गेस कर ही लिया होगा कीको इन लोग को क्या गिफ्ट देने वाला है। ये देखो ये गोल्डन लिमोजिन दूंगा मैं इन लोगों को, ये लोग मेरे फैन हो जाएंगे, ये मेरी पर्सनल लिमोजिन है। हेलो हल्क टाइटंस कैसे हो? अरे किड़े कीको कैसा है यार, हम तेरा कार्टून रोज देखते हैं, तू तो बहुत ही ज्यादा मजेदार है। अरे गाइस देखो यार ये सारे हल्क टाइटंस तो कीको के फैन है यार। हाँ बहुत ही ज्यादा अच्छा है कीको तो, आई लव कीको। तुम लोगों को भी कीको अच्छा लगता हो तो कमेंट सेक्शन में आई लव कीको लिखना। अरे नहीं नहीं मत लिखना, तुम लोग फ्रैंकलिन के फैंस हो। और कीको क्या गिफ्ट लेकर आया मेरे लिए? अरे देखो यार मैं तुम्हारे लिए लेकर आया ये वाली इतनी तगड़ी लिमोजिन। अबे तू पागल है क्या, हम लोग लिमोजिन में कैसे बैठेंगे? ये देख ये लिमोजिन में तो मेरा पैर भी फिट नहीं होगा। अरे हाँ गाइस बात तो सही है, लिमोजिन में तो इसका पैर भी फिट नहीं होगा, और हमको तो मॉन्स्टर ट्रक पसंद है क्योंकि हम तो टाइटन्स है। अरे गाइस देखो यार मेरी प्रिडिक्शन सही हुई यार, ये लोग टाइटन्स है इसके लिए इनको मॉन्स्टर ट्रक पसंद होगी। अरे तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आएगा यार, एक बार बैठ के तो देखो। अरे नहीं बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, एकदम घटिया गिफ्ट है। और कुछ लेकर आया क्या? नहीं मैं तुम्हें एक चुटकुला सुनाऊं क्या? अरे हमको चुटकुलों से कोई मतलब नहीं है। गाइस ये देखो कीको की तो वाट लगने वाली है, अभी इसको भी लेजर पड़ने वाली है। अरे नहीं 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 मुझे लेजर मत मारो। अरे पर तू कुछ गिफ्ट नहीं लेकर आया तो लेजर तो पड़ेगी ना तुझे, छोड़ेंगे नहीं इसको, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। कीको तूने गलती कर दिया यार हमारे सामने बिना गिफ्ट के आके। ओ नो गाइस ये देखो यार ब्लैक हल्क कीको को भी यार कितना ज्यादा बड़ी लेजर पड़ रही है, इसका भी वही अंजाम होने वाला है जो ब्लैक रिवेंजर हल्क के साथ हुआ। देखो यार इसको भी है ना वेपराइज कर दिया। ये ले तेरी गाड़ी भी कोई काम की नहीं है, हमको लिमोजिन नहीं मॉन्स्टर ट्रक चाहिए। ओ नो गाइस देखो इसको तो कहां तक चांद तक उड़ा के लेके जा रहे हैं। जो भी अपने गिफ्ट लेकर आए सोच समझ के लेकर आना, हमको गुस्सा मत दिलाओ, हम बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं। डोंट एंग्री मी। ओडिन की कसम ये टोनी स्टार्क तो मेरे को फसवा ही देता यार, मैं बोल ही रहा था उसको कि अच्छी गाड़ी लेके जाते, वो बोल रहा था मेरी लिमोजिन ले जाओ। अच्छा है हमने उसकी मदद से ये वाली दूसरी गाड़ी बनवा दी। अरे रे हमारा तो पैर फिसल गया, पेट इतना बढ़ गया है ना। अरे गाइस ये देखो थॉर यहाँ पे है ना अपनी गाड़ी लेने जा रहा है, दद्दू हल्क इसकी गाड़ी चुरा लूं क्या? पत्थर जी करना तो पड़ेगा वरना ब्लैक फ्रैंकलिन की आर्मी को हराओगे कैसे। अरे हाँ हाँ वही बात है गाइस, ये देखो थॉर यहाँ पे जा रहा है, ये देखो थॉर को मार दिया। ओडिन की कसम हमें क्यों मार रहे हो फ्रैंकलिन, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अरे थॉर यार तूने कुछ नहीं बिगाड़ा, पर आई एम रियली सॉरी, मुझे तेरा ये गिफ्ट चाहिए जो मुझे है ना टाइटन गॉड्स को प्रेजेंट करना है। ओडिन की कसम बहुत गलत किया फ्रैंकलिन तुमने हमारे साथ। अरे कोई बात नहीं थॉर यार गलती हो गई यार, क्या कर रहा है यार। गाइस देखो यार मेरी इच्छा तो नहीं थी थॉर की पिटाई लगा के उसकी ट्रक चोरी करने की, पर यार देखो मुझे वो करनी पड़ी। ओडिन की कसम फ्रैंकलिन बहुत बुरा है तू। अरे 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 टायर चढ़ा दिए मेरे ऊपर से। ओके गाइस देखो यार अभी सच का सामना करने की बारी आ गई है। यहाँ पे देखो मैं जा रहा हूँ यार, बेचारा यहाँ पे मरावा पक्की को पड़ा है। अब यहाँ पे देखता रही है ना टाइटन गॉड्स को मेरा गिफ्ट अच्छा लगता है कि नहीं। आलम पना तुस्ती ग्रेट हो, मेरा तोहफा कबूल करो। ओए कीड़े फ्रैंकलिन क्या लेकर आए यहाँ पे, चल बता हमें। अरे माय माइटी लॉर्ड टाइटन यार देखो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इतनी अच्छी टोनी स्टार्क की फाइनेस्ट इंजीनियरिंग जर्मन गाड़ी लेकर आया हूँ। इसके टायर देखो कितने ज्यादा
पड़े। ये है एक आयरन मैन हेड मॉन्स्टर ट्रक कार, जैसी आपको अच्छी लगती है। कोई घटिया सोने की बनी हुई लिमोजिन नहीं है। सोचने दो, हमको ये गिफ्ट अच्छा लग रहा है कि नहीं। सोच रहे क्या लगता है लड़का लोग? अरे बॉस, गिफ्ट तो काफी तगड़ा लग रहा है, पर यार एक गाड़ी के बदले तीन गाड़ियां थी तो बहुत बढ़िया हो जाता। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला। अरे गाइस, एक गाड़ी के बदले तीन गाड़ी होती, अब मुझे थोड़ी पता था यार कि यहाँ पे तीन तीन होंगे। प्लीज यार मुझे माफ कर दो यार, मैं पक्का तुम्हारे लिए ना गाड़ी दूसरी लेकर आ जाऊंगा। अभी मुझे टाइटन गॉड से प्लीज बात करने दो, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। किड़े सोच रहे ठीक है चल, तेरा ये अच्छा आयरन मैन की गाड़ी वाला गिफ्ट हमने एक्सेप्ट किया, तू टाइटन हल्क से बात कर सकता है। गाइस सुन रहे हो क्या, मैं टाइटन हल्क से बात कर सकता हूँ? थैंक यू गाइस, यार मैं तो ब्लू टाइटन से विश मांगूंगा। ब्लू टाइटन हल्क गॉड यार। बोल किड़े क्या हुआ? प्लीज मुझे अपनी ब्लेसिंग दे दो, जिससे मैं एक बहुत ज्यादा खतरनाक हल्क बन जाओ। किड़े ठीक है, तेरी विश को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये ले तेरी ब्लेसिंग। ओ माय गॉड गाइस, देखो मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही है भगवान की, कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। किड़े हम तेरे से बहुत ही ज्यादा खुश हुए हैं, इसके लिए मैं तुझे डायरेक्ट हीरो नहीं एक गॉड बना दूंगा। व्हाट, तुम मुझे डायरेक्ट एक गॉड बना दोगे? हाँ, तेरा गिफ्ट भी मेरे चेलों को बहुत पसंद आया ना, इसके लिए। गाइस देखो यार मेरा मीटर कैसा धमाधम ऊपर जा रहा है। ये देखो यार मैं हीरो तो बनी गया, अभी तक अपग्रेड नहीं हुआ, आई थिंक गॉड में जाके डायरेक्ट अपग्रेड हो जाऊंगा। हाँ किड़े बिल्कुल सही बोला, अभी तू एक हल्क वेलकरी गॉड बन जाएगा। ओ माय गॉड गाइस ये देखो, अरे ये क्या हो गया, मुझे गॉड्स ने कैसी पावर दे दी? अरे किड़े तुझे इतनी तगड़ी पावर दी है ना, ऐसी पावर आज तक किसी को नहीं दी हमने। अरे देखो तो सर यार, इनने भगवान ने मुझे अपना आर्मर दे दिया और उनकी स्वॉर्ड दे दी। अरे हाँ किड़े, बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेपन्स है, इससे तू बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। मैंने सुना था ब्लैक फ्रैंकलिन तुझे परेशान कर रहा है, ये तलवार से तो उसको काट के मार पाएगा। क्या मैं ब्लैक फ्रैंकलिन से इस तलवार का इस्तेमाल करके लड़ाई कर पाऊंगा? अरे हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है। रुको गाइस चेक करने दो मुझे, देखो ये आर्मर के जो विंग्स है इसके कारण देखो मैं कैसे हवा में उड़ सकता हूँ। यार ये टाइटन गॉड्स को मुझे थैंक यू बोलना पड़ेगा। थैंक यू टाइटन गॉड, यार तुम लोगों ने मुझे इतनी तगड़ी पावर दे दी। अरे फ्रैंकलिन तेरे पीछे देख, ब्लैक फ्रैंकलिन आ रहा है। कहाँ पे यार, ये ब्लैक फ्रैंकलिन यहाँ पे फिर से आ गया। रुको गाइस यार मैं इनको टाइटंस तक नहीं पहुँचने दूंगा। रुको कहाँ पे आया? अरे फ्रैंकलिन, ब्लैक फ्रैंकलिन यहाँ पे तेरा काल बन के आ गया है। अरे नहीं, ब्लैक फ्रैंकलिन यहाँ पे मेरा काल बन के नहीं आया भाई, ये तो मनहूस है। कहाँ पे गया ब्लैक फ्रैंकलिन? ओए ये रहा यार, आउच, गाइस कितना ज्यादा स्ट्रांग है भाई, मैं इतना ज्यादा अपग्रेड हो गया फिर भी ये मुझे कैसे मार रहा है। अरे फ्रैंकलिन आई थिंक यार तुझे एक टाइटन गॉड में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा, तभी तू इसको पूरी तरह हरा पाएगा। अरे हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, बस कर यार कैसे बच के भर रहा है। नम 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 नम, बहुत ही ज्यादा टेस्टी यार ये हल्क तो। अरे ब्लैक फ्रैंकलिन ने गाइस मुंह में ब्रश भी नहीं करा, ऐसी गंदी बास मार रही है और मेरे को ऐसे मांग रहा है, लड्डू हल्क में क्या करूं? ओए पुत्तर जी यार, तुम्हें यहाँ से ब्लैक फ्रैंकलिन से बच के भाग के थोड़ा सा और अपग्रेड होना पड़ेगा। अरे हाँ वो तो मुझे पता है, पर ऐसे कैसे अपग्रेड हो जाओ यार, इतना आसान थोड़ी है यार इससे बच के भागना। यार लास्ट टाइम तो है ना क्रिश और फ्लाइंग जेट ने आके मुझे बता दिया था यार, ये बल्ले बल्ले मुझे फिर से बचाने आ जाए तो बहुत बढ़िया काम हो जाए। अरे फ्रैंकलिन तू कभी भी नहीं बचेगा ब्लैक फ्रैंकलिन के हाथों से। अरे नहीं 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 गाइस, मुझे बचना तो पड़ेगा यार, मैं इसको एक अटैक भी कर दूंगा तो मैं थोड़ी देर के लिए शायद यहाँ पे इसे दूर भाग के चला जाओ, पर ये तो मुझे मौका ही नहीं दे रहा। ये देखो इसने मौका दे दिया, मैं इसको पूरा डोल मोल करके मार दूंगा। अरे मैं देख रहा हूँ तू गॉड बन गया, फ्रैंकलिन तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। अरे हाँ मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ, पर देखो यार गाइस ये ब्लैक फ्रैंकलिन को मैंने मेरी पावर्स का इस्तेमाल करके जमीन में फंसा दिया, थोड़ी देर के लिए मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा जिससे मैं टाइटन गॉड बन के वापस आऊँ। यार डोंट वरी टाइटन हल्क, मैं वापस आऊंगा इसको हराने के लिए। ओके किडे डोंट वरी, जाके जल्दी से अपग्रेड हो क्या, फिर तुझे इसको हराना भी तो है। अरे हाँ मुझे इसको हराना है गाइस, देखो यार मुझे जल्दी से दद्दू हल्क की बताई हुई लोकेशन पे पहुंचना पड़ेगा तेजी से। ये देखो यार यहाँ पे सारे टाइटन गॉड्स दूर यहाँ पे खड़े हुए यार, ये लोग मेरे यहाँ वेट कर रहे गाइस, जिससे मैं ना जल्दी से अपग्रेड होकर ब्लैक फ्रैंकलिन को हरा दूं। पर गाइस देखो यार तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, वीडियो को जल्दी से लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट सेक्शन में यार है ना हल्क ओपी लिखना पड़ेगा, जिससे यार ये सारे टाइटन हल्क्स को मैं डिसअपॉइंट ना करूं। देखो यार बेचारे कितनी ज्यादा आस लगाए हुए मेरे से। चलो गाइस जल्दी से चलता हूं यार मैं। ये देखो गाइस यार दद्दू हल्क ने मुझे बुलाया था, वो जगह तो यही लग रही है, यहाँ पे जल्दी से ना मेरे को उतरने दो। ये देखो यहाँ पे उतरा, जल्दी से जाके देखता दद्दू हल्क। आए पत्थर जी फ्रैंकलिन जल्दी इधर आओ। अरे हाँ हाँ झड़प से आ रहा हूँ यार, वो ब्लैक फ्रैंकलिन का पीछा छुड़वाने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो गई। आए पत्थर जी आई कैन अंडरस्टैंड, ही इज वेरी स्ट्रांग यार। अरे हाँ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग तो है, पर बहुत ज्यादा डेंजरस भी यार, मुझे जल्दी से तुम्हें टाइटन गॉड में कन्वर्ट करो, क्या कर रहे हो? आए पत्थर जी देखो तुमको एक टाइटन गॉड में कन्वर्ट होना है ना, तो तुम्हें ये वाला टाइटन गॉड का ऑब्स्टिकल कोर्स सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा यार ये ऑब्स्टिकल कोर्स तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। आए पत्थर जी हाँ ये ऑब्स्टिकल कोर्स बहुत ज्यादा खतरनाक है यार, देखो तुम्हें ये लकड़ी की रैंप से सबसे पहले आगे जाना पड़ेगा बिना गिरे, और अगर तुम गिर गए तो तुम यहाँ पे सीधा जहरीले पानी में जाओगे, और अगर वो जहरीले पानी में गिर गए तो तुम्हारा सारी हल्की पावर चली जाएगी। उसके बाद तुम्हें ये वाले है ना प्लेटफॉर्म पे धीमे धीमे आगे जाना है और फुल स्पीड में अपनी साइकिल को चला के एक जंप मारना है। अगर तुमने ये रैंप से जंप मार के सक्सेसफुली यहाँ पे पहुंच गए तो सारे ऑब्स्टिकल्स को गिराते हुए तुम्हें यहाँ पे आगे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे तुम राइट से भी जा सकते हो, लेफ्ट से भी जा सकते हो, पर यहाँ पे तुम्हें ये ऑब्स्टिकल से बचना पड़ेगा। उसके बाद ये सारी लड़कियों को धक्का मारते हुए तुम्हें आगे जाना पड़ेगा, और उसके बाद तुम्हें फाइनली यार यहाँ पे ये वाले प्लेटफॉर्म पे
पहुंचना पड़ेगा जहाँ पे मिल जाएगी तुम्हें हल्क टाइटंस की पावर। यहाँ पे देखो इतने सारे फ्लैश तुम्हें चीयर कर रहे हैं। यू कैन डू इट। ओके गाइस, मैं एकदम रेडी हूँ। पर यार जो है ना, मुझे टाइटन गॉड्स ने तलवार दी थी गाइस, ये 1000 किलो की तलवार है, ये साइकिल पे बैठ पाऊंगा भी नहीं कि नहीं मैं इसे लेके। आए पत्थर जी, जरूर बैठ पाओगे यार, तुम भरोसा रखो। अच्छा अच्छा ठीक है दद्दू, देखो तुम बोलते हो तो इसके लिए भरोसा रखता हूँ। देखो गाइस यार, ओए ओए ये क्या हो रहा है भाई, पूरी साइकिल ही उल्टी हो गई थी। गाइस देखो यार, यहाँ पे मैं आगे जाना चालू कर रहा हूँ यार। यहाँ पे देखो रेलिंग्स का मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, धीमे धीमे मैं आगे जाता जा रहा हूँ। अब यार यहाँ पे मुझे जंप मारनी पड़ेगी बहुत तगड़े से। ये देखो यार, जंप मार के मैं यहाँ तक तो पहुंच गया हूँ। अब यार और आगे जाना पड़ेगा गाइस यार। आउच 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 यार, मैं तो अथड़ा गया यहाँ पे। अरे गाइस यार, साइकिल पे वजन बहुत ज्यादा है, पीछे नहीं जा रही है ये। ओए पत्थर जी, करो करो, तुम ये कर सकते हो। अरे ये साइकिल तो किधर भी रिकोशे करके जा रही है गाइस, कोई मुझे पतला नहीं है कहाँ जा रहा है। पर देखो यार, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं यहाँ पे से फुल स्पीड में एक और जंप लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। ये देखो जंप लगाया। ओए वेरी नाइस वेरी नाइस। अब यहाँ पे थोड़ा सा बस ध्यान रखना, नीचे मत गिर जाना। ओए पत्थर जी क्या कर रहे हो, ये देखो यार मैं तुम्हें एक और लाइफ दे रहा हूँ, पर अब की बार नीचे गिरे तो और मौका नहीं मिलेगा। अरे नहीं 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 गाइस यार, ये साइकिल तो चल नहीं रही मेरी 1000 किलोमीटर की तलवार के कारण। 1000 किलोमीटर नहीं, 1000 किलो की तलवार के कारण। इसके लिए मुझे इसके ऊपर से जाना पड़ेगा खुद से। ये देखो मैं यहाँ पे पहुंच गया। अब यार मुझे सारी लड़कियों का ना यहाँ पे लेजर मार के पहले से नीचे गिराना पड़ेगा। ये देखो गाइस यार, मैंने इन पे एम ले लिया है और यहाँ पे मेरी लेजर से इन पर अटैक करना चालू कर दिया। ये लो यार, तुम सब मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे तुम एक हल्क टाइटन गॉड बनने से नहीं रोक सकते यार। गाइस ये देखो ब्लैक फ्रैंकलिन के लगता है सारे सोल्जर्स है, मैंने इन सब लोगों को लेजर मार के यहाँ से ना पूरा रास्ता क्लियर कर दिया खुद के लिए। चलो गाइस ये प्लेटफॉर्म पे तो आ गया हूँ। बाप रे यार, कैसा छोटा सा प्लेटफॉर्म है, कितने ज्यादा गाइस मुझे नर्वस हो रहा है यहाँ पे जाने के लिए। पर यहाँ पे देखो मैं एक तगड़ी सी जंप मारूंगा, और ये देखो गाइस मैं तो जंप मार के यहाँ पे पहुंच के जल्दी से ट्रॉफी को टच कर लेता हूँ। ओ माय गॉड गाइस, ये देखो यार मेरे अंदर की पावर कैसे बढ़ रही है। ओए पत्थर जी यार, तुम तो कितने ज्यादा खतरनाक 10 हेड वाले है ना, अल्टीमेट हल्क बन चुके हो। अरे हाँ, 10 हेड वाला अल्टीमेट जॉइंट हल्क बन चुका हूँ। कहाँ पे गया वो ब्लैक फ्रैंकलिन के बच्चे, इधर आ, मैं तुझे बताता हूँ कि असली पावर किसे बोलते हैं। अरे फ्रैंकलिन, भले ही तू एक 10 हेड वाला हल्क बन गया हो, पर मैं भी 7 हेड वाला ब्लैक फ्रैंकलिन हूँ, तुझे ऐसी थोड़ी छोड़ूंगा मैं। अरे हाँ मुझे पता है तू ऐसे नहीं छोड़ेगा, तो मैं चाहता भी नहीं तू मुझे छोड़े। इधर आ, मैं तुझे पकड़ के बताता हूँ। गाइस ये देखो, मैं ब्लैक फ्रैंकलिन को ढूंढता ढूंढता यहाँ पर आ गया हूँ। बहुत ही जल्द मैं उसको ढूंढ के मार दूंगा और लॉस सैंटोस की हल्की स्कूल वापस से खुद के लिए क्लेम कर लूंगा। अरे फ्रैंकलिन, मैं अकेला नहीं आया हूँ, मैं मेरी पूरी आर्मी को लेकर आया हूँ। ओह नो गाइस, इतने सारे ब्लैक फ्रैंकलिन आए यहाँ पे। अरे मेरे को कैसे धोबी पछाड़ करके मार दिया। मारो मारो इसको, मिलके मारो, बहुत मजा आएगा, सब पूरे हथियारों का इस्तेमाल करो। नहीं 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 गाइस, व्हाट इज दिस हैपनिंग यार, इतनी पूरी ब्लैक फ्रैंकलिन की आर्मी आ गई है, मुझे मार रही है तो जोर जोर से। ऐसे नहीं चलेगा यार, ये लोग तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, ये मुझे हरा देंगे। गाइस देखो, तुम्हें जल्दी से मुझे वीडियो को लाइक करके मुझे पावर अप देनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे तो लगा था मैं एक ही ब्लैक फ्रैंकलिन से लड़ूंगा, पर यहाँ पे तो कितने ज्यादा वीडियोस में ब्लैक फ्रैंकलिन आ गए, तो मुझे सबसे लड़ाई करनी पड़ेगी यार, मैं इनको छोड़ नहीं सकता गाइस यार, भले ये कितने भी ज्यादा आ जाए मुझे इनको हराना तो पड़ेगा ही। मैं मेरी लेजर की पावर इस्तेमाल करना शुरू करने का ट्राई कर रहा हूँ, पर गाइस देखो यार मेरी पावर इन पे काम ही नहीं कर रही। अरे क्या कर रहा है, हमको काट देगा क्या ऐसे लेजर से। अरे हाँ, मैं लेजर से तुम्हें काट ही दूंगा। गाइस देखो यार, यहाँ पे है ना मेरी लेजर का फुल इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, पर यार ये ब्लैक फ्रैंकलिन तो हार ही नहीं मान रहे यार, मेरे से लड़ाई करने आते जा रहे आते जा रहे। ये देखो यार, इसके मैं मेन वाले हेड पे हमला कर रहा। कितना बुरा है, तूने हमारे एक साथी को मार दिया, सिर्फ मैं अकेला बचाऊ। अबे तू अकेला भी नहीं बचेगा, रुक जा यार। गाइस मैं देखो खुद को हीट अप करके एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक्सप्लोजन करने वाला हूँ। ये देखो मैंने एक्सप्लोजन किया जिसमें ब्लैक फ्रैंकलिन मर गया, मैं इसकी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करके खुद को एक जबरदस्त टाइटन गॉड बना दूंगा। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे हम लोग, तो हमसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं बन सकता। अरे तू कितनी भी कोशिश कर ले ब्लैक फ्रैंकलिन, मैं तो तेरे से ज्यादा स्ट्रांग बन के रहूंगा, क्योंकि यार मैं तेरे से ज्यादा स्ट्रांग हूँ, क्योंकि मैं एक हल्क टाइटन गॉड बनने वाला हूँ अभी। ओके गाइस, तो ये देखो यार, मैं एक ऑरेंज हल्क गॉड बन चुका हूँ। अभी तुम सोच रहे हो यार कि तुम ऑरेंज हल्क गॉड क्यों बने यार, तू तो एक ग्रीन हल्क था फ्रैंकलिन। पर देखो यार, मुझे है ना ब्लू हल्क, ऑरेंज हल्क सब लोगों ने स्कूल में ट्रेन किया था, और उन सब लोगों की जान गई थी लॉस सैंटोस में ये ब्लैक फ्रैंकलिन की आर्मी से लड़ाई करने के लिए। इसके लिए उनकी याद में मैं एक मिक्सिंग कलर का, मतलब ऑरेंज कलर का हल्क बनाऊं। तो गाइस यार, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना नाम लिख के बताना, जिससे मुझे पता चले वीडियो देखा किसने। और तो यार, ये स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है, ये भी देखो, ये बहुत अच्छा है। चलो मैं मिलूंगा तुम्हें GTFI के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। किड़ो वीडियो देख लेना बाकी सारे, वरना छोड़ूंगा नहीं।